नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारी छोले की रेसिपी, और ये वो भी बिना प्याज और लहसुन के, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं। आप इसे व्रत आदि में बना सकती हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 कप छोले लेना है और इसे ओवरनाइट पानी में सोक करके रख देना है। नेक्स्ट हमें लेना है 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने कट कर लिया है। 1 टमाटो, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच में से चीरा लगा लिया है। घिसा हुआ नारियल, यह मैंने फ्रेश कोकोनट यूज़ किया है। 5 से 6 काजू, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। बारीक कटा हरा धनिया, और मैंने तड़के में यूज़ किया है 2 से 3 तेज़पत्ता, कुछ लौंग, 2-3 इलायची और जीरा, और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है कसूरी मेथी। सबसे पहले मैंने चने को कुकर में डाल लिया है और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1/2 इंच दालचीनी और 2 हरी इलायची। इसे बहुत ही अच्छा छोले में फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जिससे छोले पूरे डूब जाएं, और थोड़ा सा इसमें हमें सॉल्ट भी ऐड करना है, और इसे हमें 3 से 4 विसिल तक पकाना है। कढ़ाई यहाँ मैंने गरम कर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसमें अब आलू ऐड कर दिया है और इसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे आलू लगभग बन करके तैयार है। अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। अब इस आलू का मैं बाद में सब्जी में यूज़ करूंगी। अब हमने फिर से कढ़ाई गरम कर लिया है। अब मैं इसमें छौंका लगाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसमें तेज़पत्ती डाल दूंगी, फिर इसमें जीरा, लौंग और दालचीनी ऐड कर दूंगी, और इसे थोड़ा सा क्रश होने तक फ्राई करना है, जिससे कि सब्जी का अरोमा बहुत ही अच्छा आएगा, उसमें बहुत ही अच्छा सेंट आएगा। अब इसमें हमें अपने टोमेटो को ऐड कर देना है, और इसमें मैं थोड़ा सा अब सॉल्ट भी ऐड करने वाली हूँ, जिससे कि टोमेटो जल्दी गल जाएंगे। देखिए टोमेटो अब गलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इससे हरी मिर्च को और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। देखिए मेरे टमाटर भी अब लगभग गलने लग गए हैं। अब मैं इसमें छोले ऐड कर दूंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जो छोले का पानी है उसे फेंकना नहीं है, उसे हम बाद में ग्रेवी बनाते समय डाल देंगे। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। आप सॉल्ट थोड़ा हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि छोले में हमने पहले से ही सॉल्ट डाला है। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। अब बारी बारी सारे मसाले ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर एंड 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। अभी बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है और गैस को मीडियम लो फ्लेम पे रखना है। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी। और हमें इसे थोड़ा सा सब्जी को फ्राई कर लेना है। चम्मच चलाते रहिए वरना ये जल जाएंगे। अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी।
अब मैं इसमें किसा हुआ नारियल डाल दूंगी और इसे 1 से 2 मिनट तक ही हमें फ्राई करना है। नारियल की वजह से क्या है, इसमें का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी भी थोड़ा थिक बनेगा। अब इसमें हमें काजू का पेस्ट भी ऐड कर देना है। काजू के पेस्ट से क्या है, इसमें क्रीमिनेस बनेगा जो कि जिस वजह से प्याज लहसुन की कमी हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। हमें करछी चलाते रहना है ताकि ये मसाले न जले। अब हमें इसमें लास्ट में कसूरी मेथी भी ऐड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, कसूरी मेथी तो छोले की जान होती है, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हमें इसे 1 से 2 मिनट तक चम्मच चला लेना है और फ्राई करना है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी ऐड कर लिया है, अब मैं इसे इस पर लीड डाल दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी लगभग पक चुकी है, इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। जी हाँ देखिए, सब्जी मेरी पक चुकी है, आलू भी गल गए हैं, इसे हमें और थोड़ी देर पकाना है। इसमें हमें 1-2 आलू को मैश करके डाल देना है जिससे कि इसकी ग्रेवी में थोड़ी सी और थिकनेस आ जाएगी। अब लास्ट में हमें इसमें हरा धनिया ऐड करना है। तो दोस्तों, मेरी ये सब्जी लगभग बन करके रेडी हो गई है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। अब हमें ऊपर से थोड़ा सा किसा हुआ नारियल भी ऐड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये छोले की रेसिपी बिल्कुल बन करके रेडी है। आप भी इसे व्रत, उपवास और त्यौहार आदि में बना सकते हैं बिकॉज इसमें प्याज और लहसुन यूज़ नहीं हुआ है। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।